एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जॉनी खुर्द में स्थित ग्राम महपा पड़ा। लगभग 1500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान ममता हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा की करें तो गांव में प्राथमिक विद्यालय में 24 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार द्वारा विद्यालय में शिक्षा के कितने बेहतर इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात गांव में होने वाले विकास कार्य व सरकारी योजनाओं की करें तो ग्राम प्रधान ममता सभी सरकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचा रही हैं एवं विकास कार्य को जमीनी स्तर से कराया भी जा रहा है। वहीं जब एबीपीएस न्यूज टीम ने विकास कार्यों की समीक्षा की तब गांव में पेयजल व्यवस्था के लिए 22 हैंडपंप व विद्युत व्यवस्था के लिए 7 विद्युत पोल व 2 विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। वहीं वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 2 सीसी सड़कों का निर्माण, 5 सोलर लाइटें, 31 शौचालय तथा स्कूल की 4 दीवारी का कार्य भी कराया जा रहा है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने गांव के लिए 6 सीसी टाइल्स रोड, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर, शमशान घाट, शौचालय के निर्माण की मांग की है। ग्राम प्रधान ममता, प्रधानपति वीरेंद्र सिंह की मेन समस्या जानी ब्लॉक थाना जानी, जनपद मेरठ, तहसील मेरठ। हाँ जी, स्कूल में लैट्रिन, बाथरूम, समरसेबिल और दीवार की मरम्मत और चैनल और स्लेब पुलिया का निर्माण चल रहा है और खड़ंजा जो के निर्माण चल रहा है और जी 5 सोलर लाइट, 2 चैनल की मरम्मत कराई, 31 लैट्रिन बनवाई है और जी नाली की मरम्मत कराई है और जो अपना बनवाना जो बनवाना। अच्छा जी, नाले का निर्माण और जी भूमिया पे इंटरलॉकिंग, पंचायत घर में इंटरलॉकिंग और लैट्रिन बाथरूम और कमरे की मरम्मत, ट्रांसफार्मर जो के पंचायत घर के अंदर है और वीर सिंह के मकान के ऊपर को लाइन आ रही है वो अलग हटना है। अच्छा जी, ये जो नया ट्रांसफार्मर लगा था वो फुकरा है, ट्रांसफार्मर में से जो गांव की मेन लाइन है वो जंगल में गई हुई है, वह जंगल से के ट्रांसफार्मर से जुड़ी जाए। साथ ही साथ ग्रामीणों ने भी एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों के बारे में खासा उत्साहित दिखाई दिए और बताया कि वर्तमान प्रधान बेहतर तरीके से विकास कार्य करा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार भी इसमें अपनी भागीदारी निभाए और जल्द से जल्द प्रधान को फंड मुहैया कराए, जिससे ग्राम प्रधान रुके हुए कार्यों को भी संपन्न करा सके। ग्राम निवासी पोशाकी लाल, हमारे यहाँ ग्राम महपा में पंचायत घर जो है उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस ट्रांसफार्मर की लाइन वीर सिंह सैनी के मकान के ऊपर को आ रही है और उसको चेंज किया जाए, वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाया जाए और इस ग्राम पंचायत में शौचालय भी बनवाया जाए और ग्राम पंचायत में जो अंदर ज़मीन है उसमें इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। गाँव के अंदर जो अधूरे खड़िंजे पड़े हैं वे पूरे कर दिए जाएं। सो राइट,